अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बर्थडे केक बना रही हूँ। मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं सोची छोटा सा क्यों ना वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, जो केक बना रही हूँ कैसे बना रही हूँ। मैं से केक का काम तो बहुत ही फैलने वाला काम होता है, फिर मैं सोची कोशिश करती हूँ। तो ये जो मैंने बेस बनाया है पहले से, जो ये नीचे वेलवेट केक का और चॉकलेट सब मिक्स है, जो क्रस्ट होता है उसको मैंने नीचे डाला है और क्रीम लगा दिया है। अब इसके ऊपर मेन पार्ट्स में डालती हूँ। ये चॉकलेट केक जो मैं बनाई हूँ, और ये मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया है, और ये फोंडेंट का मैंने ब्लैक स्टैंड बनाया है इसको सपोर्ट देने के लिए केक को, ताकि जब हम व्हील लगाएंगे तो थोड़ा सा ऊंचा दिखे। मैंने स्टैंड लगा दिया ऑलमोस्ट चारों तरफ से। इधर मैंने फोर डाला है इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैंने फोंडेंट के स्टैंड बना के डाले, ताकि केक हमारा थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि ये मैं गाड़ी का शेप बना रही हूँ इसीलिए। और ये मैंने ये चार पॉट है जिसमें मैंने व्हील के लिए बेक किया है चॉकलेट केक। अब इस पर मैं हल्का क्रीम लगाती हूँ, इससे लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने इसमें बेक किया है केक को, सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अब इस पे मैं थोड़ा सा शुगर सिरप डाल रही हूँ जो मैंने रेनबो मिल्क ऐड किया है। ये नॉर्मली ये मोटा थिक केक है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, वैसे बच्चों की वजह से डाल देती हूँ, मैं डाल रही हूँ। ये टी केक है, इसकी रेसिपी आप सबको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस तरह से हमने शेप बना लिया है ताकि हमको अंदाज़ा हो कि हमारा व्हील कहाँ पे आएगा। इस तरह से हमने मार्क लगाया है और हमको क्रीम यहाँ पे लगानी है। इस पे भी मैं थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी। अब इसको हम कवर कर देंगे। फ्रंट साइड होगा तो ये एक और स्मॉल पीस शेप देने के लिए, और इस तरह से हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि जो गाड़ी का शीशा होता है स्लाइडिंग, वो बनने का पूरा सही से लुक दिखा दूँ इसका। तो ये देखिए, अब इसको मैं कम्प्लीटली कवर करूँगी। ये नीचे से ये जो व्हील दिख रहा पहिया, ये यहाँ पे जब हम व्हील डालेंगे ना तो ये कवर हो जाएगा, और नीचे मैं थोड़ा सा क्रश चॉकलेट केक का क्रश और ऊपर से गनाश डालूँगी, ताकि ये बिल्कुल हमारा जो फोंडेंट है दिखेगा नहीं। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ कम्प्लीटली।
देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। अब इस पे दूसरे क्रीम कलर की मैं डाल रही हूँ, डिज़ाइन करूँगी। और बस आप लोग देखते रहिए, आगे का काम करती हूँ मैं। अब केक को मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया है। ये ब्लैक फोंडेंट जो फ्रंट का डिज़ाइन होता है वो मैं लगा रही हूँ। इसको हल्के से प्रेस कर देंगे हम। इसी तरह से साइडों में शीशा भी लगाएंगे, ब्लैक फोंडेंट का लगाऊंगी मैं। और इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, ये इस तरह की नोज़ल है, स्मॉल वाली। इस तरह से हम स्मॉल डालते हुए जाएंगे पूरे केक पे। और जो हमारा जो थोड़ा बहुत केक का जो क्रस्ट दिख रहा है वो सब कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले जो क्रीम से प्लास्टर की थी केक को, वो क्रम्ब को सिर्फ कवर किया था। जिस कलर का हम ये डिज़ाइन देंगे ऊपर से, उसी तरह का इस तरह का प्लास्टर देंगे। और अगर ये डिज़ाइन नहीं भी देना तो चलेगा, प्लास्टर अच्छे से कर देंगे केक के ऊपर। ये सब काम में थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। जो गाड़ी का व्हील है वो बना रही हूँ, और ये इस तरह से हम खिलाल से डिज़ाइन दे देंगे। अब इस तरह से हमने जो ये केक था व्हील के लिए, उसके ऊपर हमने ये फोंडेंट लगा दिया। अब ये हम ये बाहर की तरफ से लगाएंगे। अब ये इसको हमने से लगा दिया, ये जैसे होता है डिज़ाइन वैसे। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इसको हम बीच में से सेंटर इस तरह से कट कर लेंगे। हमारा ये अब 4 पीस पहिया रेडी हो गया। अब मैं केक में लगाऊंगी। जैसे ये हो चुका है, अब मैं इसमें पहिया लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे वाइट फोंडेंट डाल दिया क्योंकि मेरे ब्लैक कम हो गए थे, इसीलिए। मैं यहाँ खिलाल डाल के डाल रही हूँ ताकि हमारा पहिया जो हमारा व्हील है गिरे नहीं, इसमें सेट रहे। माशाल्लाह हमारा एक व्हील लग चुका है, अब आगे दूसरा लगाती हूँ मैं। इस साइड में मैंने थोड़ा सा क्रीम भी लगा दिया है, इस तरह से चिपका भी देंगे, प्रेस कर देंगे हम। अब दूसरी साइड में के कंप्लीट रेडी हो गया मेरा केक। और देखिए मैंने आगे से फिल कर दिया ये केक क्रश, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना खूबसूरत सा केक बनाया है, और उम्मीद है जितनी खुशी मुझे हो रही है आप सबको भी उतनी खुशी हो रही होगी देख करके। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और मेरे बच्चों को दुआएं दीजिए। ये मेरे बेटे का बर्थडे का केक है जो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जजाकल्ला खैर, अपना ख्याल रखिए ढेर सारा।